मध्य प्रदेश में चुनाव का संकनाद बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गया है, लेकिन घोषणाएं करने में भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लॉन्च करी है और मध्य प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत है उसकी पड़ताल एबीपी न्यूज़ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर मौजूद हूँ भाऊंगड़ी गांव में। ये महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या हकीकत है? अम्मा, 1,000 रुपये मिल रहा है? नहीं मिला, यह नहीं मिला सर उमार को। अच्छा, आई नहीं रिया, हमने का कागज करवा लिया, पूरा बैंक में करवा दिया, पूरा किताब भी मिल गया, जब भी पैसे नहीं आ रहा हमारा। अम्मा आपको दीदी आपको मिलेगा? नहीं मिल रहे हैं सर, कोटी भी नहीं आ रही हमारी, ना मेहनत भी नहीं मिलती हमारे को। हाँ जी सर, भरे थे सर फार्म भी? आपने फार्म भरे? भरे थे दो बार के फार्म सर, पर जब भी पैसे नहीं आ रहे, जाके परेशान हो गए, इतनी दूर पंचायत में थक गए हम, जाके जब भी पैसे नहीं आए। लाडली बहन हमारे खाते में कहा रहे हो, क्या मालूम पंचायत वाले क्या कर देते है खाते में। सही जी, हमारे खाते में तो 1 रुपया भी नहीं आया, पहली बात तो 1,000 तो 1,000 1 रुपया भी तो नहीं आये। आपको मिले 1,000 रुपए? मिले मिले हमारे तो मिले। अच्छा मिले, तो ये अम्मा को मिले, आपको नहीं मिले ना? नहीं मिले सर। अच्छा, इनके साथ ही इनके साथ ही करवाए, जब भी क्या मालूम हमारे कागज में क्या हो गए। तो आप ये देख सकते हैं, कुछ महिलाओं को पैसे मिले हैं, कुछ महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। मोहल्ले में 4-5 जने को नहीं मिले, कम से कम 6-7 जने को नहीं मिल रही है पैसे। अब हम गरीब क्या खाएं, मेहनत भी तो नहीं चल रही। तो आप देख सकते हैं चुनावी राज्य है और समय आ चुका है, चुनाव का संकेत भी बच चुका है, लेकिन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावे करते हैं 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हम 1,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको 1,000 रुपए नहीं मिला है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के भौंकड़ी गांव में मौजूद हूं। पूर्व जो मंत्री वर्तमान विधायक कर्ण सिंह वर्मा का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं ये महिलाएं गरीब वर्ग की महिलाएं, लेकिन आज भी 1,000 रुपए के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही है।